नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, तो लगातार कवरेज अब से रहेगा आज तक पर। कौन कौन से दल उसमें हिस्सा लेंगे, क्या क्या होने वाला है राजनीतिक पार्टियों के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी पर चल रहे तनाव को लेकर क्या बातें रखते हैं, हर एक चीज विस्तार से आपको बताएंगे दिल्ली से लेकर लद्दाख तक। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लद्दाख से आ रही है। लेह में जबरदस्त हलचल दिख रही है। खबर है कि लद्दाख में वायुसेना के फाइटर जेट लड़ाकू विमान गश्त लगा रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को गश्त करते हुए भी देखा गया है। हेलीकॉप्टर से जवानों और सामान को लद्दाख भेजा जा रहा है। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने भी लेह का दौरा किया है। वायुसेना अध्यक्ष का लेह दौरा पहले से तय नहीं था, यानी कि चीन से तनातनी के बाद यह दौरा हुआ है और जाहिर है इस दौरे का रणनीतिक महत्व है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात को आरकेएस भदौरिया वायुसेना प्रमुख श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के साथ मुलाकात के बाद यह दौरा शुरू हुआ था और ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने लेह और श्रीनगर एयरबेस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौजूदा परिस्थिति में, यहां की तैयारियों का और जरूरतों का जायजा लिया। एयरफोर्स ने मिराज 2000 विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में तैनाती की है। सुखोई 30S की भी ऐसी जगह तैनाती की गई है जहां से एलएसी पर नजर रखी जा सके। हर तैयारी साफ बता रही है कि हिंदुस्तान इस वक्त कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहता है। वायुसेना के फाइटर जेट इस वक्त वहां पर गश्त कर रहे हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान भर रहे हैं और ये है इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया। चीन पर पूरी प्लानिंग अब दिख रही है। सोमवार रात की उस खूनी झड़प के बाद से लगातार कोशिश हर मकाम पर, हर मोर्चे पर भारत करता हुआ, चाहे मेज पर बातचीत का हो या फिर मेजर जनरल स्तर की जो बातचीत हुई थी। दूसरी तरफ किस तरह की तैयारी है आज आसमान में लद्दाख के ऊपर देखा जा सकता है। वायुसेना अध्यक्ष ने अचानक ही लेह का यह दौरा किया है, यह साफ संकेत है कि पूरी तैयारी इस वक्त हिंदुस्तान करना चाहता है। हर मोर्चे पर कितना सजग है ये भी साफ दिख रहा है। वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को लद्दाख क्षेत्र के पास तैनात कर दिया है ताकि चीन के पास बॉर्डर पर मूवमेंट की अगर जरूरत पड़े तो वो फौरन किया जा सके। आपको याद दिला दें, इसी फ्लीट ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया था। इसके पहले सुखोई 30 को भी अलर्ट कर दिया गया था और ऊपर के एयरबेस पर तैनात किया गया था। चीन के साथ जारी इस विवाद के बीच अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में तैनात किए गए हैं ताकि जवानों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। अपाचे हेलीकॉप्टर्स किसी भी मुश्किल परिस्थिति में काम में लाए जा सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर आपको बता दें कि वायुसेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है किसी चीज की, लेकिन यह तय है कि लेह के बेस पर वायुसेना की हलचल बढ़ी है। श्रीनगर, अंबाला, आदमपुर, हलवाड़ा, इन तमाम इलाकों में वायुसेना की हलचल बढ़ गई है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या संकेत इसके साफ है? अभी तक यही कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर तैयार है हिंदुस्तान और उसी के जरिए, इन्हीं तस्वीरों के जरिए, इसी गश्त के जरिए हिंदुस्तान एक संदेश देता हुआ यह साफ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री ने कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार हैं। शांतिबद्ध जरूर है लेकिन हर परिस्थिति के लिए तैयार है। गलवान घाटी में जिस तरह से चीन की धोखेबाजी का हिंदुस्तान की सेना को सामना करना पड़ा, उसके बाद से उभरी परिस्थितियों के बीच हिंदुस्तान की सेना, खासतौर पर वायुसेना, आज स्पष्ट रणनीति जाहिर करती हुई इस आसमान में। चीन की जो सीमा है उस पर हाई अलर्ट पर है वायुसेना। यह भी बताया जा रहा है कि इसका अर्थ यह है कि तैयारी हमारी पूरी है। पिछली बार भी हमने साफ कहा था कि हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया था, चीन ने जो किया उसकी वजह से परिस्थितियां ऐसी बनी और आज भी हिंदुस्तान तैयार है। वायुसेना अध्यक्ष ने लेह का यह दौरा किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि
क्योंकि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज ये तैयारी भी कुछ ऐसे ही संकेत देता हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सामान्य दिनों में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं लद्दाख के आसमान में। लगातार एक के बाद एक वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से कमर कस चुकी है, पूरी तरह से तैयार है मौजूदा परिस्थिति में किसी भी तरह का अगर कार्रवाई करने की नौबत आती है तो उसके लिए वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। ये तस्वीरें उसका साफ तौर पर संकेत देती हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान आपको वहां पर उड़ान भरते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो वायुसेना के तमाम ये आप देख रहे हैं, एक के बाद एक फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, सब वहां पर फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, तैयारी पूरी है। इधर देश की सियासत भी कहां थम रही है, आपको बताएं गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर जो सवाल लगातार विपक्ष के मन में है, आज उसके जवाब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री देंगे। जी हां, चीन के साथ जारी इस तनातनी पर अभी क्या हालात है, गलवान में क्या हुआ, इस पर प्रधानमंत्री मोदी खुद विपक्ष को भरोसे मिलेंगे। आज शाम को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक शुरू होगी और विपक्ष ने इस सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया है। लोकतांत्रिक तरीके से बड़े मुद्दों पर विपक्ष को भरोसे में लेने की एक कवायद है। मकसद ये भी है कि दुनिया देख ले कि पूरा भारत एक है, एक सुर में, राजनीतिक मतभेद भूलकर देश हित में आगे बढ़ रहा है। और शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पार्टी जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद हैं, उन सबको न्योता दिया गया है इस सर्वदलीय बैठक में, ताकि राय मशवरा हो, जानकारी हो और खास तौर पर जो उनके अनेकों सवाल थे पारदर्शिता को लेकर, उन सब पर प्रधानमंत्री उन्हें जानकारी देंगे। एक एक करके उन तमाम नेताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शरद पवार एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से, और ये तमाम चेहरे जो एक एक करके आप देख रहे हैं, ये सब आज उस सर्वदलीय बैठक में पीएम के साथ शामिल होंगे, जिसमें मायावती भी बीएसपी की तरफ से शामिल हो रही हैं और सीताराम येचुरी की भी तस्वीर आप सीपीएम की तरफ से देख रहे हैं। ममता बनर्जी इसमें शामिल हो रही हैं, अखिलेश यादव इस बैठक में एसपी की तरफ से शामिल हो रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं। सरकार से हमारी निरंतर ये मांग रही कि विपक्षी दलों के नेतृत्व को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व को विश्वास में ले। उसमें देरी जरूर हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बैठक बुलाई है वो अच्छी बात है, तो उसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि देश की संसद को ये अधिकार बनेगा हर तथ्य की जानकारी लेने का। जब एक राष्ट्रीय संकट का क्षण हो तो एक बार सामूहिक चिंता करनी चाहिए, सामूहिक विश्लेषण करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि कलेक्टिव विजडम वो हमेशा इंडिविजुअलिज्म को कुछ न कुछ सलाह ही देता है। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर चर्चा हो, आगे की रणनीति क्या हो, और पूरा देश एक तरह से सोचे, क्योंकि देश और दल दो अलग चीज हैं, सत्ता और विपक्ष मायने नहीं है। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से समावेशी तरीके से हर बातचीत हो और एक संदेश जाए, कूटनीतिक तौर पर भी संदेश जाए। सबके मिलने के बाद शांति की पहल के मुल्क हैं, लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं। आर पार्टीज इन अपोजिशन और इवन पार्टीज इन द रूलिंग कोलिशन कैन सीक एक्सप्लेनेशंस, कैन सीक एडिशनल इंफॉर्मेशंस, देन व्हाट हैपेंस वी विल सी। बैठक से पहले लेकिन आपको बता दें, सियासी उठापटक घमासान भी जारी है, क्योंकि जिन नियमों के तहत सर्वदलीय बैठक में तमाम पार्टियों को न्योता दिया गया है उसकी वजह से आरजेडी और आम आदमी पार्टी पीछे छूट गए हैं, उन्हें न्योता नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में न्योते का पैमाना क्या है। जैसा अंजना ने आपको बताया, जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद हैं उन्हीं को न्योता दिया गया है, लेकिन आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की शिकायत है कि उनको नहीं बुलाया गया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि केंद्र में अजब अहंकारग्रस्त सरकार चल रही है, लगता है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उनको यानी कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की राय की जरूरत नहीं है।
पांच बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले ही ये घमासान मच गया है। जब देश ये संकेत देना चाहता है दुनिया को कि लोकतांत्रिक मुल्क है, राजनीतिक तौर पर देश हित के मसले पर हम एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं, उस मीटिंग के एन पहले यह घमासान मच चुका। ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? यह देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, ये देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में अभी 5 MP हैं, और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी, और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को आधिकारिक रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। तो सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में उठापटक खींचतान शुरू हो गई है। संजय सिंह और तेजस्वी यादव दोनों अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल, और वही नाराजगी साफ दिख रही है ऐसी तमाम पार्टियों में जिन्हें न्योता नहीं मिला है। खुलकर ये दोनों पार्टियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारे जो वीर जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका शायद प्रधानमंत्री जी और सरकार के मन में या दिमाग में कुछ विचार होगा। वो किस रूप का है, क्या होगा, उसके लिए हम सब जरूर इंतजार करें, पर विश्वास रखें कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। पर आज भारत की प्रतिक्रिया में भिन्नता देखिए, हमने तो उनके लिसनिंग पोस्ट को तोड़ दिया 2017 में, 2016-15 में, 2017 में डोकलाम में बड़ी सेना को हम उनके सामने खड़ा कर दिया। अभी भी हमारी सेना आमने सामने खड़ा होकर फिजिकल संघर्ष कर रहा है उनको पीछे ढकेलने के लिए। सेना के अधिकारियों पर प्रश्न उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कांग्रेस पार्टी, क्या सेना के अधिकारियों की कोई राजनीति होती है? उनको अपना कर्तव्य मालूम नहीं है? तो इस समय जहां देश एक होकर हमारे सेना, हमारे देश की सरकार के साथ जहां खड़ा होना है, वहां कांग्रेस अपने क्षुद्र राजनीति चला रही है, वो भी जानकारी के अभाव में चलाती है कि बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है। कम से कम देशवासियों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। देश के मामले पर तो सभी पार्टियां, सभी लोग, पूरा देश यूनाइटेड है। देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं भारत सरकार से कम्युनिकेशन में गलती हुई है, और जो कल विदेश मंत्री जी का राहुल जी के प्रश्न के उत्तर में जो जवाब था, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ पार्टी कहती है और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, वहाँ तो समझौता के तहत तो कोई हथियार लेके नहीं जा सकता है, ये फिर कह रहे हैं सबके पास हथियार था, तो ये क्या है? पर जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी छुप कर क्यों बैठे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहना हो भी एक उनके लिए उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी को इस समय खुद को एक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था। जहाँ राजनीति करनी चाहिए वहाँ राजनीति करें, लेकिन जहाँ देश का सवाल आता है वहाँ पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि प्रश्न चिन्ह लगाकर और दूसरे विपक्ष के जो या दूसरे जो देश है, दुश्मन देश है, उनको बोलने का अवसर देना, ये राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता का परिचय देता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे देश को, विपक्षी दलों को, कि राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, वीर जवान शहीद हो पाए हैं, क्या उससे उसको टाला जा सकता था, बचा जा सकता था?
ये गंभीर मुद्दे हैं, मैं सोचता हूँ कि सबका जवाब उस बैठक में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल दो टूक शब्दों में कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, यदि कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से कायराना हरकत करके चीन ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, देश के वीर सपूत शहीद हुए, उन परिवारों के लिए मेरी संवेदना है और उनको नमन करती हूँ शहीदों को। इस विषय पर माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सजग हैं। आप देख रहे हैं कि जब 2014 के बाद से जिसने भी हरकत की उसको मुँह तोड़ हमारे देश की सेना ने दिया है, और इसमें भी चीन को मुँह की खानी पड़ेगी। इस बीच आपको बताएं, कई खास मेहमान जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआईएम के नेता आलोक शर्मा जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सभी कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं चर्चा में हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस लौट रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, 5 बजे मीटिंग शुरू होगी। उसके पहले राजनीतिक पार्टियों की राय क्या है, सोच क्या है, वो इस मीटिंग के पहले क्या विचार लेकर जा रहे हैं, सब पर बात होगी। आप देख रहे हैं आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, और शुरुआत कर रहे हैं तस्वीर के साथ लद्दाख के आसमान की, जहां आपको दिखाई देगा कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से कमर कस ली है चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए, जहां वायुसेना के फाइटर जेट अब गश्त कर रहे हैं। लड़ाकू विमान यहां पर गश्त करते हुए, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना अध्यक्ष ने अचानक ही यहां पर दौरा किया है। ये सभी संकेत है इस हाई अलर्ट के साथ कि हिंदुस्तान तैयार है। हम आपको बताएं, मिराज 2000, सुखोई 30 सब वहां पर इस वक्त गश्त करते हुए, और जवानों और सामान को लद्दाख भेजा जा रहा है। क्या संकेत है ये, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मंजीत नेगी के पास। मंजीत, क्या समझे, आसमान में ये लड़ाकू विमान आज क्या बता रहा है हिंदुस्तान? अंजना, गलवान में 15 तारीख की रात को जो कुछ हुआ, जो भिड़ंत हुई, उसके बाद बुधवार देर शाम वायुसेना प्रमुख दिल्ली मुख्यालय में थे। यहाँ पर उन्होंने सेना प्रमुख और सीडीएस जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। उसके बाद वो सीधे इस सीक्रेट मिशन पर निकले, जहाँ से श्रीनगर होते हुए लेह पहुँचे, और दो दिन का उनका ये दौरा था श्रीनगर और लेह। और एक तरह से वायुसेना की जो तैयारियाँ थी, अभी तक वायुसेना एक तरह से सपोर्टिव रोल में थी, जो हमारे जवान वहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं गलवान इलाके, अलग अलग पोस्ट पर, उनको जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर हैं वो सपोर्ट दे रहे थे, उनको उनके हथियार, दूसरा राशन और दूसरी चीज़ों को पहुंचा रहे थे। लेकिन अब वायुसेना सीधे मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब वायुसेना के दौरे का मतलब यही निकाला जा सकता है, क्योंकि अब वहां पर अगर हम लेह की बात करें तो लेह एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई के अलावा मिराज 2000, जिसने कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, वो विमान तैनात हो चुके हैं, पहले से तैनात हैं। और इस वक्त खुद वायुसेना प्रमुख ने लेह जाकर, श्रीनगर जाकर इस दौरे के दौरान वायुसेना की तैयारियों को और सेना के साथ कैसे बेहतर तालमेल के साथ, अगर चीन के खिलाफ, चीनी सेनाओं के बढ़ते सैन्य जमावड़े के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो उस पर कैसे कार्रवाई होनी है और बेहतर तरीके से उस कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है, इसके साथ ही नौसेना के भी कुछ वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट को लगाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको बताना जायज़ नहीं होगा, लेकिन एक तरह से तीनों सेनाएँ इस वक्त खासतौर से 15 और 16 तारीख को लेह की घटना के, लद्दाख में जो हुआ उस घटना के बाद, अब पूरी तरह से चाक चौबंद है। मंजीत नेगी, आप रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल ये जानकारी मंजीत नेगी दे रहे हैं कि तीनों सेनाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हर चीज टेलीविजन पर बताई नहीं जा सकती, लेकिन भारत ने कमर कस रखी है। हमारे साथ खास मेहमान इस समय आ गए हैं, हमारे साथ हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं जीवीएल नरसिंह राव, बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे साथ अजय आलोक हैं, जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ दिनेश वार्ष्णेय साहब हैं, जो कि सीपीआई के नेता हैं। आप चारों का स्वागत है। आलोक शर्मा, क्या पूछेंगे सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री से, जब सर्वदलीय बैठक में होंगी शामिल? देखिए, मुझे लगता है आधिकारिक तौर पर वो क्या पूछेंगी और कौन कौन से सवाल रहेंगे उनका तो मैं उल्लेख अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो है वो प्रधानमंत्री लेवल पर है, उसका उल्लेख करना यहाँ पर अभी शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि कम से कम 45 दिन बाद इस घटना के, जो भी घटनाक्रम चल रहा था, मोदी साहब ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मीटिंग और बहुत पहले बुलाई जानी चाहिए थी। मोदी जी को और तमाम मंत्रियों को तमाम रैलियों में और
जनसंवाद रैलियों में भाषण देने का पूरा समय था, फिक्की में भी जाकर और हर जगह, लेकिन विपक्ष से बात करने का कभी भी मोदी जी को मौका नहीं मिलता। आज मुख्य सवाल जो है वो फौजी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार भी जानना चाहते हैं और देश भी जानना चाहता है कि क्या हुआ, वास्तव में कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चाइना ने अभी घुसपैठ कर रखी है, और घुसपैठ अगर नहीं कर रखी है तो फिर इतने जवानों की शहादत का क्या कारण रहा, क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा। अभी तक डिफेंस मिनिस्टर ने आकर आधिकारिक तौर पर एक भी वक्तव्य क्यों नहीं किया, क्या डिफेंस मिनिस्टर भी मोदी साहब की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, चीन का नाम भी नहीं ले रहे हैं ना डिफेंस मिनिस्टर ना मोदी, शहादत की बात करते हैं और चीन का नाम लेने नहीं लेने से मतलब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 घंटे के बाद, 10 घंटे तक जब ये घटनाक्रम चला तब तक फायर अलार्म क्यों नहीं बजा, क्या ये रॉ का तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका फेलियर नहीं है, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए, क्या निहत्ते गए थे वहां पर, पूछते हैं जीवीएल साहब से। प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे जो फौजी थे वो निहत्ते थे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है कि उनके पास हथियार थे लेकिन उन्होंने नहीं चलाए। मुझे लगता है इन तमाम सवालों का जवाब मोदी जी को देते हुए आगे की क्या रणनीति है मोदी जी शायद सबसे डिस्कस करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। 18 बार मोदी साहब चाइना के प्रधान राष्ट्रपति महोदय से मिले, आज तक बताया नहीं सही मायने में उनकी क्या बात हुई। ठीक है, जीवीएल साहब इसका जवाब देंगे, जीवीएल साहब जवाब देंगे, वक्त की कमी है, सबको बोलने का मौका मिले। जीवीएल साहब बताइए, दो तीन शिकायतें तो सुन लिया हम सब ने, सबसे पहले यही कि बड़े देर से आए आप हुजूर, और फिर ये सर्वदलीय है या नहीं है, आम आदमी पार्टी और ऐसी तमाम पार्टियां, आरजेडी भी शामिल है, जिस पर खास तौर पर अजय आलोक जी बोलना चाहेंगे, बड़े नाराज हैं आपसे, सबको क्यों नहीं बुलाया? अंजना जी, इस मीटिंग में जिस मापदंड के आधार पर लोगों को बुलाया, आपने शुरुआत में ही आपने कहा है, जिन जिन पार्टियों के 5 सांसद हैं लोकसभा में उनको बुलाया गया, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसमें बड़ी संख्या रहेगी तो एक्चुअली बातचीत को होना भी मुश्किल है, तो बाकी सबको इसमें उनके साथ कोई अन्याय हुआ है सब बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए। जो जिस प्रकार का बयान हम आम आदमी पार्टी का सुन रहे थे, उनको एक्चुअली ये राजनीतिकरण करना इनका, जो अभी कोरोना के समय भी वो राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को संभालना चाहिए उनको, ना कि राजनीति करने के बजाय। और जहां तक आलोक भाई का सवाल है, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ज्यादातर वो चाइनीज की भाषा बोलती है, मैं एक बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार प्रधानमंत्री और चीन की राष्ट्रपति बात नहीं करेंगे और कौन बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप चुप के बात करते थे, चाइनीज एम्बेसडर से चौमीन खाने क्यों चले गए थे डोकलाम के समय में बिना देश को बताए, झूठ क्यों बोले थे, जब आज तक पे ये न्यूज चला तो उन्होंने रणदीप सिंजेवाला ने इसको झूठा बताया, आज इंडिया टुडे को झूठा बताया, बाद में राहुल गांधी ने क्या किया है नहीं किया है, ये बीजेपी का हर सांसद प्रवक्ता हर दिन शाम में 5 बजे 6 बजे हमें बताता है, ये बताइए गलवान घाटी में जो हुआ उसमें क्या पारदर्शिता की कमी रही जीवीएल साहब? नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए देश को, नहीं अंजना जी, नहीं ये भी पूछेंगे विपक्ष कितना क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, विपक्ष से कितना शेयर किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि विपक्ष काफी हद तक आपको दुश्मन की भाषा बोलती दिखाई देती है। तो आपको तो क्या लगता है? हम तो ये आप इनको ये बताएंगे तो ये जाके चीन को बता देंगे? हम इनको एक्सपोज करेंगे, आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी रहना चाहिए था ना आपने, अधीर रंजन चौधरी जी के ट्वीट ने देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने चीन के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया और पूरे कांग्रेस उन पर टूट पड़ी है, उनको ट्वीट हटाना पड़ा क्योंकि वो सब राहुल गांधी के भाषा में ही बोलना चाहते हैं। 2008 में जो एमओयू हुआ था कांग्रेस और सीपीसी के बीच में, चाइना के रूलिंग पार्टी के बीच में, हम इसके सवाल कल से पूछ रहे हैं, क्यों भाग रही है कांग्रेस पार्टी, क्यों सोनिया गांधी इसकी जवाब नहीं दे रही है, 2008 में ओलंपिक गेम्स में तत्कालीन प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया था, केवल सोनिया गांधी जी को क्यों बुलाया था, ये कांग्रेस और चीन की रिश्ता क्या है, जीवीएल साहब कांग्रेस और सीपीसी की रिश्ता क्या है? अब तो सरकार में है आप, अब आप सरकार में है, कांग्रेस और सीपीसी का रिश्ता वो तो आप जांच सकते हैं, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आपको अगर जांच करके देश के सामने ले आएंगे तो देश धन्यवाद करेगा कि हाँ आपने कुछ एक्सपोज किया, लेकिन अगर ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है तो देश इस समय चिंता में है कि राजनीतिक पार्टियां और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और तनाव सीमा पर बढ़ता जा रहा है। आपको एक बार लद्दाख लेकर चलता हूं, हमारे साथ श्वेता सिंह लाइव आ गई हैं वहां से, जहां आसमान में लगातार चक्कर काट रहे हैं फाइटर प्लेन्स, और यहां सर्वदलीय बैठक के पहले
राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बंदूक के तान के खड़ी हैं, श्वेता कैसा महसूस होता है वहां खड़े होकर नीचे? मैं बस उम्मीद करती हूं कि सेना के साथ अब कहीं एयरफोर्स को भी इसमें न घसीटा जाए, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की तैयारियां लगातार रही हैं रोहित, दो दिन के लिए जब आरकेएस भदौरिया यहां पर आए थे, चीफ मार्शल यहां पर आए थे, उस समय बहुत खामोशी से, चूंकि कभी भी दुश्मन को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि भारत की तरफ से किस तरह की हलचल है, इसीलिए वो श्रीनगर गए और ले के इस एयरबेस पर यहां पर पहुंचे थे। यहां पर हर थोड़ी देर में रोहित, कुछ देर में आप देखेंगे कि यहां पर फाइटर सॉर्टीज हमें नजर आ जाती हैं, जो कि रेगुलर नहीं है, जो कि रूटीन सॉर्टीज नहीं है, बल्कि पहले दिन से, जिस दिन वो 20 जवानों को खोने की घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद से हम आसमान में चक्कर लगाते हुए, सर्वेलेंस सॉर्टीज करते हुए फाइटर विमानों को देख रहे हैं, सुकोई 30 एमकेआई, आज चिनूक भी हमें आसमान में यहां पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है, इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं, फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके, और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं, और आज यहां पर ये चीन के मुकाबले कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। हमारे ट्रूप्स आगे की लाइन पर हैं और पीछे उनके सपोर्ट के लिए हमारी वायुसेना बिल्कुल तैयार खड़ी है कि अगर एक भी आवाज आए तो सब वहां पर पहुंचे, और हर जगह पर तैनात है ताकि उस सेक्टर में जहां पर जो गलवान घाटी का हिस्सा है, वहां पर छोटे से छोटे नोटिस पर हमारी वायुसेना पहुंच सके। आप उस इलाके में पिछले दो दिन से लगातार मौजूद हैं, आसमान में जो हो रहा है वो तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, खासतौर पर एलएसी के नजदीक के उन गांव में जहां पर लोग हैं और दूसरी तरफ से चीनी सेना तैनात खड़ी हुई है और भारतीय फौज की आवाजाही बढ़ गई? भारतीय फौज की आवाजाही बड़ी है, यहाँ के स्थानीय लोग पूरी तरीके से फौज के साथ भी हैं, इसीलिए हम देखते हैं जो सिविलियन ट्रक्स और बाकी गाड़ियां हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस पैमाने पर हमें आवश्यकता है उसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद उठ खड़े हुए हैं रोहित, और ये बहुत ही मतलब चीन को अगर लद्दाख को लेकर इतनी परेशानी होती है तो इस वजह से ही होती है कि जो स्थानीय लोग हैं वो डटकर भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना के लिए हर पल सदैव खड़े नजर आ जाते हैं। तो जहां तक आज रोहित मैं जा पाई हूं, बहुत सारी अपुष्ट खबरें सुनने में आती थी कि गांव से लोगों को निकाला जा रहा है, दरबुक जैसे इलाकों से लोगों को खाली कराया जा रहा है, देमचौक से लोगों को लेकर निकाला जा रहा है, लेकिन उन गांव वालों से मेरी फोन पर भी बातचीत हुई है, उन सब ने कहा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सेना बस आगे जाकर अपनी जगह ले रही है। जहां तक गांव वालों का सवाल है, उन पर उन्हें किसी तरीके से नहीं कहा गया है कि आप पीछे की तरफ हटे। आईटीबीपी के जवान भी हैं जिन्हें एक एक्स्ट्रा रिसोर्स के तौर पर, चूंकि यहां जैसी उनकी जानकारी होती है वैसी किसी की नहीं होती है, साथ ही भारतीय सेना को जिस तरीके से, जो हमने हम मिरर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जितने सामने लगाओगे उतने से अधिक हम यहां पर भारतीय सीमा पर तैनात कर देंगे, तो वो मिरर डिप्लॉयमेंट यहां पर भारतीय सेना की पूरी तरीके से है। दिन भर हम बाकी जो मूवमेंट्स देखते हैं, देखिए बहुत बारीकी में उन चीजों के बारे में बताना मुझे लगता है कि दुश्मन के लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, इसीलिए आज तक पर हम वो जानकारियां साझा नहीं करते हैं कि क्या रणनीतिक तौर पर वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं जमीन पर देखकर और जो लोकल लोगों की सहायता है उसे देखकर इतना कह सकती हूँ कि भारत में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हो जाएगी जब तक हमारी जनता भी इस तरीके से हमारी सेना का समर्थन कर रही है, और हमारी सेना तो 1947 के पहले युद्ध में जीत के साथ आज तक उतनी ही सक्षम है रोहित। हम कोई भी लाइव तस्वीर किसी गतिविधि की नहीं दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को यह बात हम बता देना चाहते हैं। इस परिस्थिति में जब देश की सेनाएं सरहद पर सतर्क हैं, तैनात हैं और तनाव लगातार बना हुआ है चीन के साथ, आसमान से जमीन से कोई लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा रहे। ये तस्वीरें पहले की तस्वीरें हैं ताकि किसी को भी देश की सेनाओं की मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी ना मिल पाए। ये बताते हुए श्वेता, मेरा सवाल इस समय यह है कि अभी एयरफोर्स जमीन पर, थल सेना और उधर नौसेना, जिसका इशारा अभी मंजीत नेगी दे रहे थे, तीनों तरफ से भारत तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या यह मसला सेनाओं के जरिए ही सुलझेगा या फिर डिप्लोमेटिक चैनल से काम बनेगा, क्योंकि भारत ने अब
आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरना और संकेत देना शुरू कर दिया। डिप्लोमेटिक चैनल से ही बनना होगा इसे रोहित, क्योंकि जो सेनाएं हैं या तो आप उन्हें यह आदेश दीजिए कि आपको युद्ध लड़ना है तो वो आगे जाकर युद्ध लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें युद्ध नहीं लड़ना है, अगर हमें वाकई उन पुराने समझौतों को ऑनर करते हुए आगे बढ़ना है कि गोलियां यहां पर नहीं चलनी है, तो फिर युद्ध हाथापाई से तो पूरा होगा नहीं यहां पर, या तो फिर चीन के जैसी धोखेबाजी यहां पर होती रहे। इसीलिए इसका अगर फाइनल सॉल्यूशन निकलना है, इसका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन निकलना है, तो वो कूटनीतिक बातचीत से ही होना है, वो सरकारों के स्तर पर ही होना होगा, क्योंकि युद्ध हमेशा एक अंतिम रिजॉर्ट के तौर पर ही होता है। भारतीय सेना कभी भी पीछे नहीं हटती है ऐसी किसी भी चीज से, लेकिन उसका आदेश होना होगा। आदेश नहीं है, नहीं ये सोचा जा रहा है अभी कि खून खराबे के जरिए कोई समाधान निकले। अभी कोशिश ये की जा रही है कि चीन को जितने भी उसने अतिक्रमण की कोशिश की है उसको अपनी हद में रखने के लिए सरकार की, देखिए सेना की तरफ से तो बातचीत चल रही है लगातार, लेकिन सरकारी स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उसी बातचीत से, जो कि पुराने जो यहां पर लद्दाख स्काउट्स के और तमाम जो यहां पर महावीर चक्र, सेना मेडल ऐसे विजेता जो यहां पर मौजूद हैं, उन सबसे भी जो मेरी बातचीत हुई है और उनकी उन सैनिकों से बातचीत, चूंकि देखिए जो LAC पर तैनात है वो एक अनुशासन से बंधे हुए भी हैं, लेकिन इनकी जितनी भी बातचीत है और यहां पर स्थानीय लोगों की जो है, सबका यही कहना है कि इसका सोल्यूशन एक बार तो निकलना ही होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा कभी भी कोई समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन कूटनीति के जरिए इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। शुक्रिया श्वेता, फिलहाल वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए श्वेता सिंह लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, आगे भी वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाती रहेंगी। लेकिन अजय आलोक, जो बात आपने अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सुनी, उसके पहले आप तेजस्वी यादव को भी सुन चुके हैं जो नाराज है कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया, तो ये चक्कर क्या है? जब सर्वदलीय बैठक है तो फिर सर्वदलीय बैठक है, उसमें ये शर्तें क्यों लगाना कि 4 सांसद वाले को नहीं बुलाएंगे, 5 सांसद वाले को बुलाएंगे, नाराज क्यों छोड़ना किसी को? रोहित, देखिए नाराजगी की बात नहीं है, हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। अब आप मार्च 2020 की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, 2498 रजिस्टर्ड दल है, 8 नेशनल पार्टी है, तो फिर सबको बुला लीजिए, क्या जरूरत है छोड़ने की किसी को? 2500 का जूम ऐप लगवाइए, सबको बैठाइए, बात करते लाइए, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, 2.5 महीने जरूर निकल जाएंगे। व्यवहारिकता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? खैर एनीवे, आप जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको व्यवहारिकता का वर्ष अभी मतलब नहीं रहा है, इसलिए उस पर भी टिप्पणी करने का फायदा नहीं है क्योंकि हम दूसरे मुहाने पे हैं। सवाल आज ये उठता है, बहुत बड़ा सवाल है ये, कि इस सर्वदलीय बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मैं आज बता देता हूँ, आज तक इस देश में एक परंपरा चली आ रही थी कि जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता था, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे कहीं से भी हो, सारा विपक्ष एक सुर में सर्वदलीय बैठक के पहले से बोलता था। ये पहली बार देश में एक घिनौनी राजनीति हुई है कि विपक्ष के युवराज जो हैं उन्होंने सवाल उठाया कि हमारे सैनिक निहत्ते क्यों गए, जबकि यह एग्रीमेंट भी उन्हीं का किया हुआ था, उन्हीं के देश के द्वारा किया गया था। ये माहौल कभी आपने क्या आपने होशो हवास में देखा था ऐसा होते हुए? सर्वदलीय बैठक होता है कि सबको विश्वास में लेके देश एक साथ मुकाबले का तैयार करे, ठीक है? वो सर्वदलीय बैठक में सबको प्रधानमंत्री जी को ऑथराइज कर देंगे कि आपके नेतृत्व में देश जो भी करेगा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सब टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं हमें आंतरिक रूप से कमजोर करता है, और इसी का फायदा चाइना ने उठाया। 2008 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनको न्योता नहीं दिया, सोनिया गांधी को दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग सोच रहे थे कि इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय भारत सरकार की कोई महत्व नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जी के महत्व ज्यादा है। उस वक्त बड़ा बवाल मचा था। ठीक है, आप इस बात पर टिप्पणी करना चाहेंगे आलोक जी, लेकिन थोड़ा सा आलोक जी को रुकना होगा, जल्दी से दिनेश वार्ष्णेय जी से कमेंट ले लेते हैं। मिलकर एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते दिनेश वार्ष्णेय जी? इस वक्त अंजना, पूरा देश हमेशा देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में हमेशा एक रहा है। यहाँ तक वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और अमेरिका इराक के लिए, इराक पे जो हमले के लिए भारतीय एयरपोर्ट को यूज करना चाहता था, तो वाजपेयी जी ने भी रात को सीक्रेट मीटिंग अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को बुलाई, और ऐसा हमेशा ब्रीफिंग होती रही है और ब्रीफिंग हमेशा करनी चाहिए जिससे कि ये जो फिक्रे हैं ये पैदा ना हो। अफसोस की बात है कि 40 दिन तक भाजपा कहती रही कि नहीं साहब वो नहीं आए, नहीं आए। फिलहाल हमें अपने हित देखने, हमें भारतीय हितों की रक्षा करनी है। चीन को ये समझना चाहिए कि वो भारत और चीन में श्वेता सिंह से 100% सहमत हूँ, और वो बड़ी होशियारी से रिपोर्ट कर रही थी वहाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखते हुए आज तक के करिए, कि वो डिप्लोमेटिक चैनल से करें और डिप्लोमेटिक चैनल से दोनों बैठ के इसको हमेशा के लिए निपटा लें कि भविष्य में कभी भी ऐसी आदाबाजाई एक दूसरे की टेरिटरीज में नहीं होगी।
गलवान घाटी से वो वापस जाए। चीन के साथ एक प्रॉब्लम है, उनकी 14 देशों से सीमाएं लगती हैं और 14 के 14 देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट है, 2 देशों से समुद्री डिस्प्यूट है। समस्या ये उनकी है कि वो इसको समझें, साम्राज्यवादी देश ना बन के, एक्सटेंशनिस्ट ना बन के, देश के अपने पड़ोसियों से दोनों देशों को हमारे जवानों की जो मौत हुई शहादत का बेस्ट इलाज होगा कि हम शांतिप्रिय ढंग से निपटा लें। और बीजेपी के नेताओं से भी अनुरोध है कि इसको कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ना करें और इसको उनकी शहादत को बेस्ट कंट्रीब्यूट होगा कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से करें और जो उन्मादवादी भाषण ना दें बीजेपी के नेता। वो उन्माद अगर वो चीन के खिलाफ बोले तो वो उन्माद कहलाएगा, आप मिठास अगर घोले तो ना जाने क्या कहलाएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।